और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक शानदार और यूनिक 2BHK का फ्लैट जो कि एक सोसाइटी में है। और इसके अलावा सेफ्टी, सिक्योरिटी, पार्किंग, क्लब हाउस सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं सुग्रीव शर्मा वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पर। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक शानदार और यूनिक 2BHK का फ्लैट जो कि एक सोसाइटी में है। और ये फ्लैट दोस्तों काफी यूनिक है, डिफरेंट है, फुल ऑफ वेंटिलेशन है। और इसके अलावा सेफ्टी, सिक्योरिटी, पार्किंग, क्लब हाउस सब कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। और इस बिल्डिंग में एंट्री करते वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी आप बहुत बड़े बिल्डर की बहुत बड़ी सोसाइटी के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखिए, बीच में हमने एक शॉर्ट भी आपके लिए बनाया है जिसमें हमने एंट्रेंस से लेकर आपके क्लब हाउस तक को कवर किया गया है, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। और उसके बाद देखते हैं आपका ये शानदार 2BHK का फ्लैट। और यहां से एंट्री है आपके 2BHK फ्लैट में जहां पर आपको लिविंग कम डाइनिंग स्पेस मिलता है। तो काफी ओपननेस मिलेगी आपको एंट्री करने के बाद। ये कंप्लीट एरिया मिलेगा आपको सिटिंग के लिए, 5-7 पर्संस की सिटिंग यहां पर दे सकते हैं। दो पफ भी अगर आप चाहें तो यहां पर लगा सकते हैं। दोनों ही वॉल आपको डिजाइनर मिलने वाली है। एक तरफ आपको वॉलपेपर का डिजाइन मिलेगा जबकि दूसरी तरफ आपको लूवर्स का वर्क मिलने वाला है। यहां पर एसी की फिटिंग आपको मिलती है। ये कंप्लीट फ्लैट दोस्तों फुली फर्निश्ड फ्लैट है। इनकेस अगर आप चाहेंगे फुली फर्निश्ड फ्लैट लेना तो ये सारा का सारा फ्लैट, ये सारा का सारा काम आपको एज इट इज मिल सकता है। लेकिन अगर आप सेमी फर्निश्ड फ्लैट लेना चाहेंगे तो कुछ चीजें इसमें आपको नहीं मिलेंगी। वो क्या रहेंगी वो आप डील से पहले क्लियर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ और खास है आपके इस फ्लैट के अंदर। सोफे के ठीक सामने आपको काफी बड़ा टीवी पैनल मिलता है जहां पर आप प्रॉपरली फिटिंग्स के साथ आपको दिया गया है। नीचे आपको दो ड्रॉर्स मिलती है, ओपन शेल्फ मिलती है और काफी अच्छी लुक एंड फील के साथ ये कम्प्लीटली तैयार किया गया है। अगर बात करें आपके डाइनिंग स्पेस की तो ये डाइनिंग स्पेस 4-सीटर टेबल यहाँ पर लगाई गई है। हालांकि इसको थोड़ा सा अगर आप इस तरफ करेंगे तो ये 6-सीटर डाइनिंग टेबल भी बन सकता है जिसके एक तरफ आपको कम्प्लीटली ग्लास वर्क मिलने वाला है। यहाँ पर भी आपको ग्लास वर्क दिया गया है जिसके अंदर आप अपनी जो डेकोरेटिव क्रॉकरी है वो रख सकते हैं और अपने इस एरिया की ब्यूटी को और भी इनहेंस कर सकते हैं। सीलिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कम्प्लीट सीलिंग का जो डिजाइन है ये भी काफी डिफरेंट है, यूनिक है। विद एलईडी लाइट, विद गॉब लाइट एंड विद प्रोफाइल लाइट आपको ये दिया गया है। दो फैंस आपको मिलते हैं, आपको शैंडलियर मिलता है। इनके साथ आप फुली फर्निश्ड फ्लैट लेते हैं। और उसके बाद बात करेंगे आपकी किचन के बारे में। और किचन भी दोस्तों काफी डिफरेंट है, यूनिक है और ओपन कंसेप्ट में बनाई गई है। यहाँ पर फ्रिज का स्पेस आपको मिलता है, आप देख सकते हैं फ्रिज इजिली आपका एक तरफ लग पाएगा। और उसके बाद आपको ये एल टाइप की किचन मिलती है। इस किचन की जो लुक एंड फील है वो भी काफी डिफरेंट है, यूनिक है। और नीचे और ऊपर दोनों तरफ काफी अच्छी स्टोरेज आपको मिलती है। अपर कंप्लीट सेक्शन आपको ग्लास में मिलता है। इस तरफ आपको जो चिमनी मिलने वाली है ये चिमनी भी हाई क्लास चिमनी है दोस्तों। यहाँ पर आपको माइक्रोवेव रखने के लिए आपको स्पेस मिलता है। इस तरफ आपको जगुआर की फिटिंग मिलती है, सिंक आपको मिलता है और कंप्लीट प्लेटफॉर्म के ऊपर नीचे प्रोफाइल लाइट दी गई है जिससे कि पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइट रहे। स्विच एंड सॉकेट दिए गए हैं जिससे कि अपने इलेक्ट्रिकल आइटम आप इजिली यूज कर सकें। और नीचे की तरफ आपको जो बास्केट्स हैं वो मिलती हैं सॉफ्ट क्लोजर के साथ और काफी हाई क्लास के साथ दोस्तों आपको ये वर्क दिया गया है। और फुली फर्निश्ड फ्लैट में बहुत प्यारा सा शैंडलियर भी आपको लगा कर देंगे। तो किचन बड़ी है दोस्तों, ओपन कंसेप्ट के साथ है, ये भी आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए बात करते हैं अब आपके बेडरूम्स की। बेडरूम में जाने से पहले मैं आपका कॉमन वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपका कॉमन वॉशरूम है जिसे आप पाउडर रूम भी कह सकते हैं। सफिशियंट साइज है दोस्तों, जगुआर की फिटिंग के साथ आपको मिलता है। रूफ हाइट तक की टाइल्स इसमें भी आपको दी गई है और सारी की सारी फिटिंग आपको क्वालिटी की मिलती है। चलिए बात करेंगे आपके बेडरूम्स के बारे में। लेकिन बेडरूम में जाने से पहले मैं ये सेक्शन आपको दिखाना चाहता हूँ। ये भी कम्प्लीटली ग्लास में डिजाइन किया गया है दोस्तों। अंदर प्रोफाइल लाइट दी गई है। यहाँ भी अपने डेकोरेटिव आइटम आप रख सकते हैं, क्रॉकरी आप रख सकते हैं या फिर और कुछ अगर आप रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। और इसकी भी लुक एंड फील काफी डिफरेंट आपको मिलने वाली है। दो बेडरूम है, एक बेडरूम इस तरफ है और एक बेडरूम इस तरफ है और दोनों में ही आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलने वाला है।
चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपके इस मास्टर बेडरूम की। इस मास्टर बेडरूम का जो साइज है ये काफी सफिशियंट है दोस्तों। यहाँ पर आपको विंडो मिलती है, विंडो के पीछे 10 फीट की गली है और उसके बाद आपको करीबन 70-80 फीट का काफी बड़ा ओपन स्पेस मिलता है। और यहाँ पर भी हमने स्टोरेज आपको दे दी है जिससे कि आपको स्टोरेज की कभी भी प्रॉब्लम ना आए। और अंदर प्रॉपरली लाइट भी दी गई है जिससे कि अंदर रखा हुआ सामान आप इजीली देख सकें। बेड के पीछे आपको डिजाइनर वर्क मिलता है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ आपको लूवर का वर्क मिलता है, आपको हैंगिंग लाइट्स मिलती हैं। और यहाँ पर आपकी जो वार्डरोब है वो दी गई है और ये वार्डरोब भी आपको स्लाइडिंग में मिलती है, कम्प्लीटली ग्लास के साथ डिजाइन की गई है, अंदर प्रॉपर लाइट दी गई है और अंदर की जो माइका है ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों डिजाइनर लुक के साथ आपको मिलती है। सीलिंग की अगर बात करें तो सीलिंग का डिजाइन अगेन शानदार है, यूनिक है। और इस बेडरूम के साथ आपका वॉशरूम भी अटैच है, आप देख सकते हैं एक सफिशिएंट साइज का वॉशरूम आपको यहां पर भी दिया गया है। इसके बाद बात करेंगे आपकी बालकनी की। बालकनी को मिस कभी भी मत करना दोस्तों, क्योंकि ये बालकनी काफी यूनिक है और डिफरेंट है, क्योंकि इस बालकनी के साथ आपको काफी बड़ा ओपन एरिया मिलता है। ये बालकनी ना केवल साइज के लिहाज से बड़ी है बल्कि यहाँ आपका मन भी लगेगा, प्रॉपर वेंटिलेशन भी रहेगी, ग्रीन एरिया भी मिलता है और ये कंप्लीट ओपननेस आपको मिलती है आपकी इस बालकनी से। और सामने जो बिल्डिंग है जो कि एक स्कूल की बिल्डिंग है, ये बेसिकली स्कूल का प्लेग्राउंड है दोस्तों, जो हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, यानी कि आपकी बालकनी में ये ओपननेस हमेशा ऐसे ही रहेगी। और इस बालकनी में दोनों तरफ आपको टाइल वर्क मिलता है, यहाँ पर आपको रस्टिक वर्क मिलता है, यहाँ पर स्विच एंड सॉकेट्स आपको मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टैब मिलता है और पानी निकलने के लिए स्पेस मिलता है, यानी कि आपका वॉशिंग एरिया यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पर आपको टफन ग्लास मिलेंगे और ऊपर आपको डिजाइनर पैटर्न के साथ आपकी रेलिंग मिलने वाली है। बालकनी आपने देखी दोस्तों, कितनी शानदार बालकनी आपको मिलती है, कितना ओपननेस एरिया आपको मिलता है। और इसके अलावा फ्लैट का जो कंप्लीट कंसेप्ट है ये भी बिल्कुल मॉडर्न जो हाउसेज हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। और अब बात करते हैं आपके सेकंड बेडरूम की। यहाँ पर आपका सेकंड बेडरूम आपको मिलने वाला है और ये सेकंड बेडरूम पहले बेडरूम से भी थोड़ा सा बड़ा है। इसमें आपको विंडो मिलती है, पीछे आपको कम्प्लीटली ओपन एरिया आपको मिलने वाला है, विंडो ओपन करने के बाद फ्रेश एयर आपको यहाँ से आएगी, तीनों तरफ आपको ओपन एरिया मिलता है, बीच में आपका बेड है जो कि 6x6 का है और दोनों ही तरफ आपको वार्डरोब मिलती है, यानी कि प्रॉपर स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। नीचे आपको ओपन स्पेस मिलेगा जिसमें स्विच एंड सॉकेट दिए गए हैं और उसके नीचे आपको दो ड्रॉर इस तरफ और दो ड्रॉर उस तरफ मिलती हैं। सीलिंग का डिजाइन अगेन यहाँ पर शानदार आपको दिया गया है दोस्तों। और ये है आपका टीवी पैनल इस रूम का और ये भी काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। फ्लैट बहुत अच्छा है, दोनों ही बेडरूम आपके फ्रंट की तरफ है, फुल्ली वेंटिलेटेड है दोस्तों। और इसके अलावा जो लिविंग स्पेस का कंसेप्ट है ये भी आपको बखूबी पसंद आएगा, क्योंकि इस तरह के कंसेप्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। हमेशा ही कोशिश रहती है कि हर बिल्डिंग में कुछ ना कुछ यूनिक आपको दिखाएं, कुछ ना कुछ यूनिक आपके लिए बनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्लैट आपको जरूर पसंद आया होगा। इनकेस अगर आप भी लेना चाहते हैं दिल्ली में द्वारका मोड़ की लोकेशन पर अपना घर, तो जुड़े रहें गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड से। और इस फ्लैट की बाकी डिटेल्स के लिए और विजिट के लिए कॉल करना न भूलें। जय भोलेनाथ।